हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से MLT यानी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स और सब्जेक्ट में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का जो एक पार्ट है बैक्टीरियोलॉजी, उसके ऊपर होने वाला है। तो हम लोग बैक्टीरियोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोगों का, क्लॉस्ट्रिडियम बोटोलियम कॉजेस विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? क्लॉस्ट्रिडियम बोटोलिनम जो एक बैक्टीरिया है वो कौन सी डिजीज कॉज करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बोटुलिज्म। बोटुलिज्म जो है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग क्या है। हेलिकोबैक्टीरिया पायलोरी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? जो हेलिकोबैक्टीरिया पायलोरी है, ये बैक्टीरिया है, ये कौन सी डिजीज कॉज करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, गैस्ट्रिक अल्सर। ये क्या है? गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर फोर है आप लोगों का, विच बैक्टीरियम इज नॉन फॉर कॉजिंग फूड पॉइजनिंग ड्यू टू इट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटेरोटॉक्सिन्स? इसमें ये पूछ रहा है कौन सा बैक्टीरिया है जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करता है उसकी एंटेरोटॉक्सिन की प्रोडक्शन के रिलेटेड। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड, क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजस। जो क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजस है फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर फाइव है आप लोगों का, विच ऑफ दिस बैक्टीरिया इज कॉमनली फाउंड इन सॉइल एंड कैन कॉज टेटनस? जो इस चार ऑप्शन में से कौन सा बैक्टीरिया है जो कि टेटनस कॉज करता है और सॉइल्स के अंदर पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी। समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर सिक्स है आप लोगों का, बोरेलिया बर्गडो फेरी इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन प्राइमरीली बाय विच ऑफ दिस फॉलोइंग? जो बोरेलिया बर्गडो फेरी बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन्स में ट्रांसमिटेड होता है, वो किसके द्वारा कॉज होता है ये पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, टिक्स। जो टिक्स के द्वारा कॉज होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन है आप लोगों का, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग लाइम डिजीज? लाइम डिजीज जो है कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, बोरेलिया बर्गडो फेरी। क्वेश्चन नंबर एट है आप लोगों का, द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ बुबोनिक प्लेग, जो बुबोनिक प्लेग का जो कॉजेटिव एजेंट है वो कौन सा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, येरसीनिया पेस्टिस। येरसीनिया पेस्टिस जो है वो कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर नाइन है आप लोगों का, जो लेगियन नेलेरिस डिजीज है क्या कॉज करता है या किसके द्वारा कॉज होता है? इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, लेगियोनेला न्यूमनोफिलिया। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन है आप लोगों का, विच बैक्टीरिया इज एसोसिएट विथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन ह्यूमन्स? ह्यूमन के अंदर कौन सा बैक्टीरिया UTI कॉज करता है ये पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए,
एस्चेरिचिया कोलाई या इसको ई कोलाई भी कहते हैं। ई कोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज कॉमन कॉज ऑफ। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है वो क्या कॉज करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, निमोनिया। जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों का, द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डेंटल कैरीज या टूथ डीके भी कहते हैं, यानी डेंटल प्रॉब्लम कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो होता है डेंटल कैरीज कॉज करता है या रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों का, विच बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सिफिलिस, यानी कि सिफिलिस के लिए कौन सा बैक्टीरिया कॉज कर रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ट्रेपनोमा पैलेडियम। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोग का, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे कॉजेस विच डिजीज। जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है वो कौन सी डिजीज कॉज करता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, लेप्रोसी। जो लेप्रोसी है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोगों का, विच बैक्टीरिया इज कॉमनली फाउंड इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड कैन कॉज सीवियर डायरिया, यानी कि सीवियर डायरिया और कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है जो कि इस इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है या फिर उसको उसमें पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, एस्चेरिचिया कोलाई। क्वेश्चन नंबर 16 है आप लोगों का, क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस इज नॉन एज कॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस होता है एक एसटीडी कॉज करता है, बट कौन से इन्फेक्शन कॉज करता है ये पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, क्लेमाइडिया। जो क्लेमाइडिया इन्फेक्शन होता है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है आप लोगों का, विच बैक्टीरियम इज एसोसिएट विद पेप्टिक अल्सर्स, यानी पेप्टिक अल्सर्स जो होता है वो कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है या फिर एसोसिएट करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, हेलिकोबैक्टर पैलोरी, यानी अल्सर जो होता है हेलिकोबैक्टर पैलोरी कॉज करता है पेप्टिक अल्सर। क्वेश्चन नंबर 18 है आप लोगों का, विच बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एंथ्रैक्स। जो एंथ्रैक्स कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, इसका रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, बैसिलस एंथ्रैक्स जो होता है वो कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आप लोगों का, द बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कोलेरा। कोलेरा जो होता है कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है ये पूछा गया है आप लोगों से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा जो होता है कोलेरा कॉज करता है, और याद रखना ये एक कोमा शेप का बैक्टीरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच बैक्टीरिया इज नोन फॉर द कॉजिंग डेंटल इन्फेक्शंस एंड एब्सकेसिस। डेंटल इन्फेक्शंस और एब्सकेसिस कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है आप लोगों का, विच बैक्टीरिया इज एसोसिएट विद कॉजिंग द नेक्रोटाइजिंग फैसिटाइज फैटिस या फ्लैश ईटिंग डिजीज जिसको कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस।
जो स्ट्रेप्टोकोकस पैथोजेंस होता है वो नेक्रोटाइजिंग फैस्किटाइस कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आप लोगों का, विच बैक्टीरिया इज कॉमनली फाउंड इन कंटामिनेटेड वाटर एंड कैन कॉज सीवियर डायरिया, जो कि कंटामिनेटेड वाटर में पाया जाता है और डायरिया कॉज करता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा डायरिया कॉज करता है और कंटामिनेटेड वाटर में पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है आप लोगों का, विच बैक्टीरिया इज एसोसिएट विद कॉजिंग वूपिंग कफ या फिर पर्टूसिस कॉज करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, बर्डेटेला पर्टूसिस, यानी बोर्डेटेला पर्टूसिस। क्वेश्चन नंबर 24 है आप लोगों का, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द मेजोरिटी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि यूटीआई इन्फेक्शन कौन कॉज करता है ये पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, एसिडिचिया कोलाई। ये कोलाई जो होता है यूटीआई इन्फेक्शन भी कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है आप लोगों का, विच बैक्टीरिया इज कॉमनली एसोसिएट विद कॉजिंग एकाइन कौन कॉज करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ट्रोपिनियम बैक्टीरियम एकाइंस। क्वेश्चन नंबर 26 है आप लोगों का, नाइजीरिया गोनोरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ऑफ विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो नाइजीरिया गोनोरिया होता है वो कौन सी एसटीडी कॉज करता है, एसटीआई कॉज करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, गोनोरिया। क्वेश्चन नंबर 27 है आप लोगों का, विच बैक्टीरिया इज नॉन फॉर द कॉजिंग ऑफ हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शंस एंड रेसिस्टेंट टू मैनी एंटीबायोटिक्स, इसमें से कौन सा बैक्टीरिया जो होता है वो हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज करता है और जो एंटीबायोटिक्स के लिए रेसिस्टेंट होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस, या इसको MRSA भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आप लोगों का, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग टाइफाइड फीवर, तो ये इजी है थोड़ा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, साल्मोनेला टाइफी के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, साल्मोनेला AH, EH और TH, जो कि टाइफाइड फीवर कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है आप लोगों का, विच बैक्टीरिया इज एसोसिएट विद कॉजिंग गैंग्रेन्स, इसमें से कौन सा बैक्टीरिया जो होता है गैस गैंग्रीन्स कॉज करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजेंस। क्वेश्चन नंबर 30 है आप लोगों का, विच बैक्टीरिया इज कॉमनली फाउंड इन हॉस्पिटल्स एंड लीडिंग कॉजिंग ऑफ नोजोकोमल इन्फेक्शंस, इसमें से कौन से बैक्टीरिया है जो कि हॉस्पिटल्स में पाया जाता है लेकिन नोजोकोमल इन्फेक्शंस भी कॉज करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाना जरूर ना भूलें, क्योंकि जो भी आगे वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है धन्यवाद।